बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू SMK फैमिली। आज मैंने बनाए हैं आलू ज़ीरा राइस, जो कि बहुत मज़े के बने हैं। इसको मैं थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर रही हूँ। बहुत खिले खिले चावल बने हैं मेरे। मैं तड़का शुरू करने के लिए इसमें मैंने डाला है ऑयल। अब मैं डालने लगी हूँ एक प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। इसमें डालने की प्याज मेरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया। मैं इसमें डालने लगी हूँ एक टेबलस्पून भर के अदरक। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर मैं बाकी की बारीक डालूँगा। एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 10 लौंग, 12 काली मिर्चें और 2 ये टुकड़े दालचीनी के और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी। अदरक मेरा हो गया। मैं इसमें सारे मसाले डालने लगी हूँ। टमाटर सारा कुछ इकट्ठा डाल दूँगी मैं। ज़ीरा, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक सब कुछ डाल दिया मैंने। इसमें डाल दी एक छोटी प्यारी दही और इसमें डाल रही हूँ आलू एक प्याली भर के। बारीक कटे हुए मैंने इसमें डाले हैं आलू। अब इसको सबको भून लेंगे अच्छे से। ये क्यूब्स में कटे हुए मैंने आलू डाले हैं, ये देखें। ये देखें, इसका ऑयल अलहदा हो गया है। दही अच्छी सी भुनी गई है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। 2 गिलास चावल थे, इसमें मैं डालूँगी 3 गिलास पानी। तीन गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिए हैं और इसको ज़रा अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से बॉयल आ गया। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसको ढक्कन रख के 15 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी। चावलों का पानी मेरा कम हो गया। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम। इसके नीचे मैंने रख लिया तवा और ये वेट रखने लगी हूँ ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए मैंने इतनी आग पे दम लगाया है। मैंने चावलों का दम खोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल देखिए मेरे कितने खिले खिले बने, आलू वाले चावल, आलू ज़ीरा राइस। मैं इसको डिश में डाल रही हूँ। आलू ज़ीरा राइस मेरे तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। आप इसको बनाएं, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें। खाते खाते हमें याद करें। अल्लाह हाफिज़।